हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, जब भी कोई सिस्टम है या कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, तो अगर उसकी पोजीशन बतानी हो या उसकी मोशन बतानी हो, तो हमें एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, ये देखिएगा कि हमारे पास कोई पी पॉइंट है या पी कोई सिस्टम है या पी कोई ऑब्जेक्ट है और ये थ्री डायमेंशंस के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस और जेड एक्सिस से डिस्टेंस अगर आप पता लगा लें, तो इसका मतलब आप पी पार्टिकल की पोजीशन या पी सिस्टम की पोजीशन का पता लगा लेंगे। तो ये जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिसकी वजह से हम पोजीशन या किसी सिस्टम को डिफाइन कर पाते हैं, इसी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा, पी आपके पास कोई पार्टिकल है या पी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें तो पी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए कि अब की बार हमने यहाँ पर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स यहाँ ले लिया है, तो अब हमारे पास नया जो है फ्रेम ये हो गया। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास कोई फ्रेम है एस और ये कोई फ्रेम है एस डैश, तो आप देखिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अब एस डैश से अगर हम पोजीशन निकालें पी की, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो ये आपके पास बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिससे आप पोजीशन और मोशन डिफाइन कर सकते हैं। मोशन कैसे डिफाइन करेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर पार्टिकल पी जो है वो आपके पास क्या है, मोशन के अंदर है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो हम कह देंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी वी एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी वी वाई है और इसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी क्या है, वी जेड है। तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, इसको हम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट से इंडिकेट वहाँ पर कर देंगे। तो हमारे पास अगर तीन कोऑर्डिनेट से हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड से किया है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हमारे पास यहाँ पर तीन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ टाइम पीरियड भी हो, यानी कि ये आपके पास कोई इवेंट है, कोई बम फट गया है या कोई पोजीशन बता रहे हैं आपके, टी टाइम के ऊपर पी पार्टिकल की पोजीशन बता दीजिए, तो पोजीशन जो है आपके पास टी टाइम के ऊपर पी पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, एक्स वाई जेड हो गई। तो अब आपको कितने कोऑर्डिनेट देने पड़ रहे हैं, यहाँ पर चार, तो एक्स वाई जेड तीन और प्लस में आपके पास एक टाइम कोऑर्डिनेट भी हो गया। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें आपको तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ एक टाइम कोऑर्डिनेट भी इंडिकेट आपको करना पड़ेगा, यानी कि ये बताना पड़ेगा कि किस टाइम पर इवेंट या आपका पोजिशन ऑफ द पार्टिकल किस टाइम पर कहाँ पर था। अब जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऑन द बेसिस कि वो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है या नहीं करता, उस बेसिस पर हमने इनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। वन इज़ नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर इज़ नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है जिसके सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, भाई सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को ही तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं, तो जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं अगर वो न्यूटन्स लॉ को, यानी कि एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं या वी एक्स वी वाई या वी जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो न्यूटन्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो आपका सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपके पास, उसको हम क्या नाम दे देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देंगे। अब न्यूटन्स लॉ में देखिएगा तीन लॉ हैं आपके पास, इनर्शिया का लॉ है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रहेगी, जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। बिल्कुल इसी पर हमारे पास अगर कोई रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, कोई आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई कंसिडर कर लीजिए कि आप अपना रूम ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हुए हैं या आप गाड़ी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करे हुए हैं, अगर वो रेस्ट में है तो उसको हम नाम दे देंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसी तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी,
तो अब ये देखिए इंडस्ट्रियल लॉ को ये भी ओबे कर रहा है। इंडस्ट्रिया का जो लॉ था उसमें आपके पास तीन पार्ट थे, इंडस्ट्रिया ऑफ रेस्ट, इंडस्ट्रिया ऑफ मोशन। तो इंडस्ट्रिया ऑफ मोशन में हमारे पास यही तो था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है पार्टिकल की, सिस्टम की या ऑब्जेक्ट की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो उसको वो भी क्या कहलाएगा, आपका इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, ये आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया और ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ता जाए लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजेस ना आए, तो ये एक इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कहलाएगा। थर्ड जो है आपके पास, मान लीजिए कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके पास ये इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और आप जानते हैं या तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होगा या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। तो कंसिडर कर लीजिए एस जो है आपके पास एक इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरेलल एक डायरेक्शन के अंदर, या तो एक्स एक्सिस कह लूँ या वाई एक्सिस कह लूँ या जेड एक्सिस कह लूँ, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर कर लें कि एस डैश हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये तो रेस्ट में है आपका, या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, तो आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस या पैरेलल टू जेड एक्सिस टू दिस इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, हमारा ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या बन जाएगा, इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो देखिए तीन कंडीशन है कि अगर बोर्ड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, और अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ये जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। सेकेंड टाइप जो हमारे पास है वो हमारे पास है हमारे नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इंडस्ट्रियल नहीं है वो नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब अब की बार जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलेगा आपको वो न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। क्या हो रहा होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है और पार्टिकल एक्सेलरेट किए जा रहा है या बॉडी एक्सेलरेट किए जा रही है, तो वो देखिए एक्सटर्नल फोर्स है नहीं और एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए तो वैलिड ही नहीं हो रहा, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो और ए बढ़ता जा रहा है आपका या ए है आपके पास, ए इज़ नॉन ज़ीरो। तो ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पहचान क्या है, पहचान ये है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर कोई भी बॉडी है और वो एक्सेलरेट कर रही है इवन के उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या नाम दे दिया जाएगा, नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह दिया जाएगा। दोबारा देख लीजिए, एक बॉडी है एक्सेलरेट हो रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और वो बॉडी कहाँ पर है, कहाँ से स्टडी कर रहे हैं आप, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या नाम दे दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से होंगे, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, अब ये देखिए रोटेशनल मोशन है, अर्थ घूम रही है या आपकी बॉल घूम रही है या बॉल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो आप किसी गोल गोल झूले में जा रहे हैं, तो आप गोल गोल झूले में अगर घूम रहे हैं तो आपकी लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, इट मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो आप ये मानेंगे कि आपके ऊपर क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो घूम रहा हो, रोटेटरी मोशन शो कर रहा हो, एंगुलर मोशन शो कर रहा हो या गई सर्कुलर मोशन शो कर रहा हो, सारे के सारे कैसे हैं, नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अर्थ की ऑर्बिटल मोशन हो, अर्थ की स्पिन मोशन हो, दोनों की दोनों मोशंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, अर्थ को बता रही हैं कि अर्थ पे अगर आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो अर्थ किसको
ओबे नहीं करेगी, अर्थ न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करेगी, अर्थ के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, और इवन के अर्थ की डायरेक्शन या अर्थ की एसोलेशन लगातार क्या हो रही है, आपके पास अर्थ एसोलेट कर रही है, इसका मतलब अर्थ की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप नॉन इनर्शियल कह देंगे, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एसोलेटेड हो, यानी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लीजिए, ये मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी V1 थी, थोड़ी देर के बाद आपने देखा V2 हो गई, थोड़ी देर के बाद आपने देखा V3 हो गई, और बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रही, तो इसका मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एसोलेशन आपका या कहिए वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी एसोलेट किए जा रही है, तो इसका मतलब तो ये न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं कर रही, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कैसा कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जिसको आप ट्रूली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह दें। लैब ले लीजिए, लैब कहाँ है, अर्थ पर है, अर्थ क्या कर रही है, स्पिन मोशन दे रही है, स्पिन मोशन का मतलब क्या है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये तो इसका मतलब लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अर्थ की चाहे ऑर्बिटल मोशन लीजिए चाहे अर्थ की स्पिन मोशन ले लीजिए, ये आपके पास दोनों की दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो अर्थ का जो स्पिन एसलरेशन है वो है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थ का जो ऑर्बिटल है यानी कि सन के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर काट रही है तो वो एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, वो एक सेकंड में 0.006 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो बहुत स्मॉल एसलरेशंस हैं, बहुत स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हैं, तो इनको हम मैक्सिमम कैलकुलेशंस में क्या कर लेते हैं, नेगलिजिबली जीरो के अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो स्ट्रेट मोशन दे रही है, या ये जो एसलरेशन है दे आर वेरी स्मॉल एसलरेशन, अर्थ इज़ मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो इस वजह से अर्थ को ये दोनों नेगलेक्ट करने के बाद अर्थ को कई जगह पर ये कंसीडर कर लिया जाता है कि अर्थ किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रही है। तो ये आपके दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, एक जो न्यूटन लॉ को ओबे करते हैं वो इनर्शियल हैं, और एक जो न्यूटन लॉ को ओबे नहीं करते वो कौन हो जाएंगे, आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएंगे।